बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इजिप्ट के शर्म अल शेख में धरती को बचाने की मुहिम में दुनिया भर के नेताओं और वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा है। इस महामंथन में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। उदाहरण के तौर पर एक आंकड़े के मुताबिक क्लाइमेट चेंज में जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सभी देशों ने मिलकर इस साल अब तक 40.6 बिलियन टन CO2 वायुमंडल में छोड़े हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए तुरंत ही बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ग्लोबल कार्बन बजट 2022 के आंकड़ों के मुताबिक अगर मौजूदा उत्सर्जन स्तर बना रहता है तो इस बार 50% संभावना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग 9 सालों में पार हो जाएगी। गौरतलब है कि पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित ग्लोबल वार्मिंग सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस है, जो दुनिया को उम्मीद देती है कि यह जलवायु बदलाव के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए पर्याप्त होगी। यानी इस बात का डर बरकरार है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग 9 साल में पार हो जाएगी। इससे धरती यानी दुनिया के विनाश का खाका तैयार हो सकता है, जिसकी भविष्यवाणी कभी बाबा वेंगा ने भी की थी। दरअसल 9 साल में इतना तापमान बढ़ गया तो ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा तो धरती के कई इलाके समुद्र की चपेट में आ जाएंगे। करोड़ों लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इकोसिस्टम प्रभावित होने से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो सकती है। दरअसल पूर्व औद्योगिक 1850 से 1900 स्तरों के औसत की तुलना में धरती के वैश्विक सतह के तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और इस बढ़ोतरी को दुनिया भर में रिकॉर्ड सूखे, जंगल की आग और पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ का कारण माना जा रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के आधे से ज्यादा CO2 उत्सर्जन करने के लिए चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ को जिम्मेदार बताया गया है। वैश्विक CO2 उत्सर्जन में भारत का योगदान 7% है। UN समिट में रखा गया डाटा बताता है कि चीन में 0.9 और EU में 0.8 की उत्सर्जन में अनुमानित कमी आई है, लेकिन अमेरिका में 1.5%, भारत में 6% और बाकी दुनिया में 1.7% की वृद्धि हुई है। धरती पर बढ़ते तापमान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।